जो कह रहे ना 4 जून के बाद हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब आप जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिएगा। चलिए, अरे 4 जून तक इंतजार करो, 4 जून तक इंतजार कीजिए। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में हाल की अपनी टिप्पणी को फिर दोहराया। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच बढ़ती कथित दूरी दिखाती है कि लोकसभा नतीजे आने के बाद बिहार में कुछ बड़ा होगा। तेजस्वी ने यहां पत्रकारों से कहा कि जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद हमारे चाचा अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, तब से वो प्रचार में नहीं निकले हैं। प्रशासन का काम राज्यपाल देख रहे हैं और अधिकारियों को बुला करके समीक्षा कर रहे हैं। जदयू और भाजपा अपनी अपनी सीट पर लगी हुई है, उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। ये जो अंतर है वो दिखाता है कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा होगा। राजद नेता ने 28 मई को नीतीश कुमार के बारे में कहा था, हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद कर सकते हैं। जो कह रहे ना 4 जून के बाद हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब आप जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिएगा। चलिए, अरे 4 जून तक इंतजार करो, 4 जून तक इंतजार कीजिए। चलिए। नीतीश कुमार के महागठबंधन से नाता तोड़कर भाजपा नीत राजग में चले जाने के कारण तेजस्वी यादव ने जनवरी में उप मुख्यमंत्री पद खो दिया था। ये पूछे जाने पर कि क्या वो जदयू प्रमुख के साथ फिर से गठबंधन करेंगे, तेजस्वी ने कहा था, यह बाद में देखा जाएगा। पिछले एक दशक में नीतीश कुमार ने 2 बार तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद के साथ नेतृत्व वाले राजद के साथ गठबंधन किया। हाल ही में जदयू 1990 के दशक से उसकी सहयोगी रही, भाजपा के साथ फिर चली गई। खराब स्वास्थ्य के कारण व्हीलचेयर पर चुनाव प्रचार कर रहे युवा राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, प्रचार का अंतिम दिन और प्रचार समाप्त होने तक मेरी 251 चुनावी सभाएं हो गईं। उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं। दरअसल मोदी जी 3 महबूबाओं से सबसे अधिक प्यार करते हैं और वे बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई है। मोदी जी की ये 3 महबूबाएँ चुनाव हरवा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान सत्र के लिए कन्याकुमारी की उनकी यात्रा के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा, वह मार्केटिंग करने, फोटो खिंचवाने, स्विमिंग करने जा रहे हैं। पिछली बार गुफा में बैठकर वो फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार वह कन्याकुमारी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पर प्रतिबंध लगाएं, जाइए जो ध्यान करना है कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए।